रोजे के बाद यह है कि नमाज की पाबंदी और वो भी अव्वल वक्त में पढ़ना बेहद जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रोजा तो रख लेते हैं, नमाज नहीं पढ़ते। रोजा रखना उनको आसान लगता है, नमाज पढ़ना रोजा रख के भी मुश्किल लगता है। तो नमाज, नमाज के बारे में तो आप सब जानते ना, इस्लाम और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज है, अलग अलग कर देती है। दुनिया में भी पहचान है हर मुसलमान की, और आखिरत में जैसे सूरत यासीन में आप सब ने ये आयत पढ़ रखी होगी, वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज के दिन अलग होकर खड़े हो जाओ। दुनिया में नमाज अगर नहीं पढ़ते थे तो नमाज पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले क्यामत के दिन इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। कुरान पाक ही के एक और सूरत में आता है, बेनमाज लोगों से पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में क्या चीज ले गई, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, वकुन्ना नखुदु माल खाइदीन, और हम बहसें करने वालों के साथ मिलकर बहसें करते थे। आज हम में से बाज मुसलमानों का हाल ये हो गया कि ना वो अल्लाह का हक अदा करते हैं, ना बंदों का हक अदा करते हैं, और जहां दीन की बात आती है बहस मुबाहसा शुरू कर देते हैं। हमारा दीन बहस मुबाहसे के लिए तो नहीं, इतनी खूबसूरत तालीमात तो जिंदगी में अमल के लिए हैं।